एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पम्बासा में स्थित करेली गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 32 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने मित्रपाल सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 5000 की आबादी एवं 2300 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 550 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 180 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 15 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 4 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 115 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे व पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 109 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22 आवासों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, खेल का मैदान, ठंडे पेयजल के लिए 5 फ्रिज, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 105 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं दिनेश कुमार ग्राम से नागरिक हूं। हमारा गांव का प्रधान ठीक ठाक काम करा रहा है, बिना भेदभाव के काम कर रहा है और हमारे गांव की व्यवस्था ठीक ठाक है। हाँ, मकान बढ़िया बन गया। हमारा प्रधान जी ने जो भी सेवा कराई थी वो पूरी हो गई। एक किस्त रह गई बस बाकी लैट्रिन की, और कुछ पैसे अभी नरेगा के रह गए हैं, जो का मतलब मजदूरों के पैसे जाने हैं।